जरा महसूस कीजिए कि बरसात का मौसम हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, ऐसे में आप अपने साथी के साथ राजगीर अथवा कैमूर के जंगलों में खुले आसमान के नीचे सफर करना चाह रहे होंगे। हवा के झोंकों के साथ बारिश की बूंदें फवारों की तरह आपके तन और मन को तरोताजा कर दे। आपके इस सफर में आपको बाइक मिल जाए तो जरा सोचिए कैसा लगेगा। सफर का आनंद तो दोगुना हो ही जाएगा। ये पल जीवन के उन यादगार पलों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसे आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ कल्पना मात्र ही नहीं है बल्कि बहुत जल्द हकीकत में भी बदलने वाला है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। पर्यटन विभाग बहुत पर्यटकों को बाइक राइडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला है। यदि आप बिहार के खास जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल पर्यटन विभाग अब देश के कुछ चुनिंदा टूरिज्म प्लेस की तर्ज पर पर्यटकों को बाइक राइडिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। बिहार में विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है। गया, राजगीर, नालंदा की बात करें तो सबसे अधिक विदेशी पर्यटक यहीं पहुंचते हैं। ऐसे में इन पर्यटकों को घूमने में कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर दिसंबर से पर्यटन विभाग इन पर्यटकों को रेंट पर बाइक देगी ताकि पर्यटकों को आसपास घूमने में परेशानी ना हो। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि बाइक को सुरक्षित कैसे रखा जाए, तो आपको बता दें कि बाइक में GPS लगा रहेगा जिसकी निगरानी लोकल थाना करेगी। पर्यटक विभाग ने साफ तौर पर बताया है कि पर्यटकों को रेंट पर दी जाने वाली गाड़ियों में GPS रहेगा, साथ ही लोकल थानों में बाइक का पूरा डिटेल रहेगा ताकि पर्यटकों को ट्रेस करना आसान हो सके। लोकल थाना की पुलिस पर्यटकों को हर पल नजर बनाए रखेगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पर्यटक बाइक को अपने पास कितना देर रख सकते हैं, तो आपको बता दें कि पर्यटकों को बाइक को 24 घंटे के लिए दिया जाएगा। पर्यटकों को बाइक और समय के लिए लेना होगा तो दोबारा से बाइक के लिए ऑनलाइन निबंधन करना होगा और रेंट भरना होगा। बहुत जल्द एजेंसी से विभाग समझौता करेगा, रेट विभाग ही तय करेगा। बाइक लेने के बाद पर्यटकों को क्या पैसा देना होगा, इस रेट को विभाग की ओर से तय किया जाएगा। विभाग की ओर से इसके लिए जल्द विज्ञापन मांगा जाएगा। विभाग की ओर से आश्वासन दिया जाएगा कि नालंदा व राजगीर में ये सफल होगा। बता दें कि इस स्कीम में बाइक और स्कूटर किराए पर लिए जा सकेंगे। इस स्कीम के जरिए पर्यटन विभाग अधिक टूरिस्ट आकर्षित करना चाहता है। इसके लिए पहली बार विभाग ने रेंटल बाइक स्कीम क्रियान्वित किए जाने से जुड़े प्रस्ताव को सहमति दी है। बताया जा रहा है कि स्कीम के तहत प्रारंभिक स्तर में 2-व्हीलर को मंजूरी दी गई है, हालांकि बाद में 4-व्हीलर को भी मंजूरी मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।